डिग्विजय हो चाहे सिविल हो कोई भी हो, दे आर डूइंग वेरी गुड। पॉजिटिव नेगेटिव शो में चलता है क्योंकि वो शो की स्ट्रेटजी होती है, बाद में आगे सब एक होने चाहिए, बस लास्ट में मौका ये है। देखो दोनों की अपनी स्टोरी है, ठीक है। अगर दिग्विजय के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत ही गलत है क्योंकि उसके अपने सपने थे, टाइटल सबसे बड़ा होता है वो पैसे नहीं। और अगर उसकी स्टोरी देखी जाए, अगर उसको एक्चुअली में पैसों की जरूरत थी, मेरे को नहीं पता थी या नहीं थी, ये मुझे नहीं पता, अगर थी तो फिर इट्स अ फेयर चॉइस तुम्हें चुनने के लिए कि यार तुम पैसा चुनते थे। अभी भगवान की दया से इतना कोई तंग नहीं करती हो, बट यस हम दोनों ऐसे हैं कि हम जागते रहते हैं, सुबह ही सोने को मिलता है, तो कभी रात को भी नींद आती है, कभी दिन में नहीं आती है, और कभी दिन में आती है रात को नहीं आता, तो वही टाइम चलता जाता है। बहुत ही प्यारी जर्नी है और आई विश सबके सबकी जर्नी ऐसे ही निकले जैसे मेरी निकलती है। और मैंने पहले बहुत सुना था, डर लगता था बाप बनने में, पर अभी जब बने हैं तो बहुत अच्छा फील आ रहा है। आई वॉन्ट बेबी गर्ल, जिनका वॉन्ट बेबी बॉय। हमारे लिए तो यही बेस्ट होता है कि हर सीज़न रोडीज़ और स्पिरिसिला का हिट जाए, यू नो, तभी आगे जितना भी हमारा क्रू है वो खुश रहता है और हम खुश रहते हैं। सो इस बार बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मैं चंक में देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद अभी बाप बनने वाला हूँ तो उसमें बिजी रहता हूँ, बट जितना भी देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है कि यार जब रोडीज़ से सीख के और आगे जाते हैं और नए बच्चे भी आते हैं तो कितना अच्छा करते हैं लाइफ में। और यही शो ऐसा है जो फ्रेशर्स को मौका देता है, सो उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होती है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है। आई एम वेरी हैप्पी, दे आर डूइंग वेरी गुड एंड वो अपनी जर्नी बेस्ट खेल रहे बहुत ही अच्छा यार। जब रणवीर जी भाई की गैंग में आया था और उसके बाद मैंने लाइफ में अच्छा किया तो रण भाई को बहुत अच्छा लगता था कि यार मेरे गैंग से निकल लड़का कहाँ पहुँच गया। अब मेरे गैंग में हो या ना हो, रोडीज़ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लोग अच्छा करेंगे।